टेक टू। हम किसी और शहर में बड़े हुए और फिर हमारा अंतिम शहर जो था सपनों का वो बंबई था। आप इस शहर में बड़े हुए हो। करेक्ट। आपके सपनों का शहर भी है, तो बताओ ना यार कैसा रहा मुंबई में बड़ा होना? इट्स अ वेरी नॉर्मल सिटी फॉर मी एंड व्हिच इज व्हाई इट मेक्स इट वेरी इजी फॉर मी टू एक्सप्लोर। लाइक आई लाइक मुंबई, मतलब आई नो द ब्यूटी ऑफ इट एंड आई नो द डिस्कम्फर्ट ऑफ इट ऑल्सो। जो भी बॉम्बे आता है दे द लव इट और दे हेट इट। वो एक्सट्रीम में जी रहे क्योंकि वो सपना देख कर आए ना। ये शहर है ना, नए लोगों को अपने आप में मतलब संभाल लेता अपने में। ऐसे जो गलियों में आप चल रहे थे एक दिन अचानक वो गली छोटी हो जाती है क्योंकि वहां पर और घर बन गए। तो देयर इज ऑलवेज स्पेस फॉर मोर पीपल इन दिस सिटी एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन वाई पीपल लिविंग इन मुंबई डोंट लाइक मुंबई। मेरा ख्वाब मिल रहा है ना मुझे, चलेगा मुझे ये सब। अरे हेलो हेलो हेलो। तो आज मैं मेहमान हूँ या फिर वो मेरे मेहमान हैं? या बोटवाला साहब बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए भाई। नहीं नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए निहाल भाई, बिकॉज आई वॉज जेन्यूनली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। मैंने जब पहले दो एपिसोड भी देखे ना, मुझे ऐसा था अंदर से थोड़ा मन हम भी आए बातचीत करें है ना, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आज आपका मेहमान बनकर हम आपके घर पर बैठे। सो थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी सबसे पहले तो। अरे बहुत बहुत मज़ा आने वाला है मुझे ऐसा लगता है। हाँ मुझे भी ऐसा लगता है। चलिए हम जब दोनों को ये लगता है तो या मैं जिस क्योंकि हमारी पहले भी कई बार बातचीत हुई एंड मैं हमेशा जिस चीज़ में इंटरेस्टेड था ना टू नो फ्रॉम यू योर पर्सपेक्टिव। देखो मैं और मेरे जितने भी दोस्त हैं ज़्यादातर दोस्त हम बाहर से मुंबई आए हैं। हम किसी और शहर में बड़े हुए और फिर हमारा अंतिम शहर जो था सपनों का वो बम्बई था और हम इस शहर में आए। आप इस शहर में बड़े हुए हो। करेक्ट। आपके सपनों का शहर भी है, मतलब मुझे पता नहीं, मतलब आप बता सकते हो है या नहीं? नहीं नहीं है, है बिल्कुल है। और आप सिर्फ मुंबई में बड़े नहीं हुए, आप मुंबई के सबसे खूबसूरत इलाकों में बड़े हुए जहां पे अभी भी लोग ना टूरिस्ट की तरह जाते हैं। जी है ना, जब कोई बाहर से आता है तो सबसे पहले वो ओल्ड टाउन का जो एरिया है वहां पे लोग जाते हैं। बट यू ग्रो अप इन दैट एरिया। तो मुझे ना वो सब समझना है यार, मुझे ना मतलब क्योंकि मैं जब बात भी करता हूँ ना तुमसे तो मुझे ना ऐसा वो एक ओल्ड मुंबई का एक फ्लेवर आता है। हाँ मेरी भाषा में भी झलकता है। हाँ शुद्ध हिंदी नहीं है नहीं बट एक यार वार्म्थ है यार, मतलब समझ रहे हो, मतलब हम मुंबई को इसलिए जानते ना, मुंबई का वार्म्थ एंड दैट आई गेट फ्रॉम यू एंड आई डू फील दैट द सिटी हैज लॉट टू डू कि वो क्यों है तुम्हारे अंदर। तो बताओ ना यार कैसा रहा मुंबई में बड़ा होना? यार मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई में बड़ा होना ना इट हैज इट्स ओन प्रिविलेजेस एंड इट्स ओन कॉन्सिक्वेंसेज ऑल्सो है ना, क्योंकि जब कोई दूसरा इस शहर में आता है ना तो वो अपने ख्वाबों को फॉलो करके आया है तो उसको लगता है उसको मुंबई एक्सप्लोर करना है। ठीक है, तो वो मुझसे ज़्यादा मुंबई देख लेता कई बार। और क्योंकि मैं मुंबई में बड़ा हुआ तो मुझे ऐसा लगता है हाँ किसी दिन बोरीवली देख लेंगे बोरीवली की गलियाँ, हाँ ठीक है होगा कुछ ना कुछ मिलता होगा। पर जैसे मेरा एक दोस्त है अनमोल जोशी करके, तो वो विलेपाले में रहता था रेलवे क्वार्टर्स के पास में है ना। तो एक बार मतलब कॉलेज के टाइम पे तो ऐसे ज़्यादा पैसे रहते नहीं थे हमारे पास, तो एक बार हम उसके घर पे बैठे हुए थे और उसने बोला कि खाना खाएगा। मैंने कहा खा लेंगे पर सस्ता ऑप्शन बोलना। तो उसने बोला एक सस्ता ऑप्शन है बढ़िया वाला। तो विलेपाले रेलवे कॉलोनी के पास में ही एक छोटा सा ऐसा हट जैसा बना होता है, ठीक है, वहाँ पर है ना रिक्शा वाले आके खाना खाते हैं। तो हम लोग वहाँ अंदर गए बैठ गए और 50 रुपया प्लेट में हमें मिल रही है भिंडी दाल रोटी चावल, ठीक है, और रोटी मतलब अनलिमिटेड ले रहे हो। अच्छा, तो मेरा एक्सप्लोरेशन मुंबई की वजह से कई बार इन लोगों की मतलब ऐसे दोस्तों की वजह से भी हो गया। पर मेजरली मुझे ऐसा लगता है मुंबई में बड़ा होना ना, तो मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि जैसे बाकी सब आके कैसे ऐसे मुंबई को देखते ना कि यार ये माया नगरी, ये देखो ये खूबसूरत शहर सपनों का शहर। मेरे लिए बस शहर है अरे जिसमें मैं बड़ा हो रहा हूँ। मैं इस शहर से भागना नहीं चाहता, मैं इस शहर में ही रहना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मुझे जो सब करना है ना वो यहाँ पर पॉसिबल है। कि मुझे जब एक्टिंग मतलब मुझे एक्टिंग करनी है अपने जीवन में तो मुझे पता है कि मेन हब यहीं पर है। बट आई नेवर सॉ इट कि यू नो दिस इज द सिटी ऑफ ड्रीम्स और इसके अलावा कहीं और पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि मैं यहीं पर बड़ा हो रहा था ना। शहर है नॉर्मल, यहाँ पर बड़े होते वक्त हमने स्ट्रगल भी देखा है,
हम पिटे भी है यहीं पर, तो सब कुछ जो आपको अपने शहर से जो एक लगाव रहता है, आप अपने शहर को कभी ऐसे नहीं देखते कि यार ये है ना, मतलब कोई टूरिस्ट आके देखता है दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी, और आप कहते हो बस सिटी है. मतलब आई नो द ब्यूटी ऑफ इट एंड आई नो द डिस्कम्फर्ट ऑफ इट ऑल्सो. तो मेरे लिए हमेशा वो रहा है ये शहर, इट्स अ वेरी नॉर्मल सिटी फॉर मी एंड विच इज वाई इट मेक्स इट वेरी इजी फॉर मी टू एक्सप्लोर. लाइक आई लाइक मुंबई. जो भी बॉम्बे आता है दे इधर लव इट और दे हेट इट. वो एक्सट्रीम में जी रहे क्योंकि वो सपना देख कर आए ना, तो या तो आप अपने ख्वाब को लेकर जीत जाओगे या तो निराश होकर जाओगे. मेरे लिए बस आई लाइक दिस सिटी, आई लव हाउ दिस सिटी वर्क्स, हाउ इट हाउ एवरीथिंग जस्ट कम्स बैक इन इट्स प्लेस. तो वो है, इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग टू टॉक अबाउट द सिटी ना. मतलब कि जनरली जब मुंबई के बारे में बात करते हैं ना, बड़ा बात सही है तुम्हारी, मतलब कि बहुत सपने देख कर आए बड़ा शहर. अगर सपने सच हो गए तो लव है, सपने नहीं सच हुए तो आई हेट है. करेक्ट. लेकिन अगर रहने के लिए है तो यार लाइक तो करना पड़ेगा. हाँ मतलब बात है, मैं ना मुझे मुंबई जैसे याद रहता है ना कि आई रिमेम्बर मुंबई एज दिस सिटी दैट आई हैव टू रीपे बैक. क्या बात कर रहे हो? हाँ मतलब कैन एक्सप्लेन दिस टू मी. मुझे ऐसा लगता है कि शहर का कर्जा होता है आप पर. हाँ क्या? जैसे ओवल मैदान है, मतलब आजाद मैदान आपको पता होगा. पता मुझे. हाँ. तो ओवल मैदान हुआ करता था प्रॉपर ऐसे, जहाँ पर क्रिकेट कोचिंग और ये सब होती थी और हर संडे को वहाँ पर हम क्रिकेट खेलने जाते थे. तो एक बार ना मुझे जल्दी निकलना था, ठीक है, तो मैं निकल गया वहाँ से. पर मुझे याद ये नहीं रहा कि मेरे पास एक्चुअली पैसे नहीं बचे, कि मतलब ऐसे 5 रुपए का सिक्का लेकर घूम रहा हूँ मैं अंत में, और मुझे घर जाना, और मेरा घर था भिंडी बाजार, है ना. तो ओवल मैदान से भिंडी बाजार उस हिसाब से थोड़ा दूर पड़ता है. अच्छा. अगर आप बस से जा रहे हो तो पता नहीं चलता है ना, ऐसे हवा चल रही है, दरिया देख लिया, मजा आ गया लाइफ में. पर आपको जब डिस्टेंस आप मेजर कर रहे हो कि अब मुझे शायद चल के जाना पड़ेगा, तो वो टाइम पर पहले तो खुद पर नाराजगी हुई कि यार मेरे पास पैसे क्यों नहीं है यार. पैसे नहीं है मेरे पास यार, वो गुस्सा है मेरे को. और मेरे सामने से ना लोग गाड़ी में से जाते ना, अपने उम्र के बच्चे जब आपको गाड़ी में दिखते तो और ऐसा हताशा महसूस होती है कि हमारे पास क्यों नहीं है सब. तो मैंने कहा ठीक है, अब चलना शुरू किए वो थॉट प्रोसेस के साथ. अब चलते चलते एकदम थक गए. तो मोहम्मद अली का क्रॉस कर रहे थे वो, मोहम्मद अली रोड. हाँ, मोहम्मद अली के साइड तक पहुंच गए थे चलते चलते. एंड इट्स अ वेरी लॉन्ग वॉक, इट्स अ वेरी लॉन्ग वॉक. मोहम्मद अली पहुंचे और है ना किसी ऐसी दुकान के पास वैसे जाकर बैठा था, एकदम से थक गया था सड़क के पास. और है ना वहीं पर एक गोला वाले की दुकान होगी टाइप्स, तो वहाँ बैठा हो बैठा हो. और अब ऐसा लग रहा है कि हाफ गया यार, अब नहीं हो पा रहा, कैसे जाएंगे पता नहीं. तो एक पानी का ग्लास लेकर आया और उसने बस ऑफर किया, मैंने मांगा नहीं, उसने बस आके दे दिया मुझे, है ना, क्योंकि ही नोज वॉट आई एम फीलिंग राइट नाउ. और मुझे ऐसा लगता है कि ये शहर ना काइंडनेस की वजह से जाना जाता है, क्योंकि एवरीवन इज स्ट्रगलिंग सो मच दैट दे लुक एट यू एंड दे कैन फिगर आउट कि तुम अभी क्या फील कर रहे हो. तुम इफ यू से कि मैं खुश हूँ तो वो देख पा रहे कि हाँ तुम खुश हो या फिर तुम झूठ कह रहे हो, वो देख पाते वो. एंड दे नो अगर इफ इट्स इन देयर हैंड्स दे विल ट्राई टू हेल्प, बिकॉज दे वांट के जब वो अपने उस एक्सपीरियंस में रहे तो कोई उनकी तरफ भी वो हाथ बटाए. मैंने ना बॉम्बे के बारे में इतना ज़्यादा सुना है ना, और हाँ. मतलब मैंने एक्सपीरियंस भी किया है, क्योंकि मतलब अब यही मेरा भी घर है. हाँ. मतलब मैं पटना में बड़ा हुआ, दिल्ली रहा, लेकिन अब मैं घर मुंबई को कह सकता हूँ. मैंने इतना ज़्यादा सुना है और देखा है ना ये वाली बात ना, कि ऐसे वो किसी और शहर में बहुत मिसिंग है यार, कि कोई तुम्हें अचानक से आके हेल्प कर दे. हाँ. तुम्हें सड़क पे लोग गुस्से में नहीं दिखते हैं. देयर इज समथिंग अबाउट द सिटी जो करता है. बट एनीवे मतलब ये बताओ कि जिन मोहल्लों में बड़े हो रहे थे, जिन हाँ. सड़कों पे बड़े हो रहे थे, वो कौन सी सड़कें थी? तो मैं बड़ा हो रहा था भिंडी बाजार में. भिंडी बाजार. भिंडी बाजार पहले इसका नाम क्या है, क्यों है, और ये मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ये शहर का. तो भिंडी बाजार बेसिकली तो लोग मोहम्मद अली को जानते हैं. हाँ. मोहम्मद अली जहाँ पर खत्म होता है, नॉट VT साइड. अच्छा. मतलब इस साइड पर जहाँ पर खत्म होता है वहां से भिंडी बाजार शुरू होता है. The other side of CST. तो मोहम्मद अली इज वेरी पॉपुलर बिकॉज ऑफ रमजान एंड फूड एंड एवरीथिंग. फूड तो मतलब वहाँ का लोग खाने जाते हैं ना. वो टूरिस्ट इलाका बन जाता है. टूरिस्ट इलाका है. हाँ,
भिंडी बाजार इज ऑल्सो वेरी सिमिलर, बट वेन वी आर ग्रोइंग अप तो भिंडी बाजार बहुत ऐसे चौल सिस्टम में था उस वक्त. अच्छा. हाँ, अब क्योंकि डेवलपमेंट हो रहा है ना तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन जाती है. बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन जाती है, बट हम जब थे तो चार माले की बिल्डिंग थी. अच्छा. हाँ, तो एरिया में सबसे लंबी बिल्डिंग है 6 माले की एक बिल्डिंग है. ठीक है, वो सबसे लंबी बिल्डिंग है और इतना पुराना स्ट्रक्चर उस चीज का. और आप मानोगे नहीं, तो क्योंकि चौल सिस्टम था ना तो कॉमन बाथरूम रहता था, है ना. जब मैं बड़ा हो रहा था, लाइक व्हेन आई वाज बॉर्न, अपेरेंटली एट दैट टाइम दैट बिल्डिंग हैड बीन रेनोवेटेड. ओके. तो जब मैं उस बिल्डिंग में जाऊंगा तो वो नहीं होनी चाहिए ना. हाँ. तो जब मैं बड़ा हुआ और मैं सब खुद ऐसे चौल में बाथरूम में जा रहे ना, तो ऐसा कह रहा, ये कहाँ से रेनोवेट हुई है? कौन से कोने को किया गया था इसको रेनोवेट? और बहुत ऐसा अजीब, मतलब मैं ना बहुत खुश हुआ था जब हमारे घर में एक्चुअली में ऐसे पहली बार ना कमोट लगाया गया. वो एकदम ऐसे सेलिब्रेशन वाला पॉइंट था, कह रहा मुझे चल के नहीं जाना पड़ेगा. क्या बात कर रहा है. वैसे ऐसे लाइन में नहीं लगाना पड़ेगा कि खोलो. तो वो वाला एक बहुत हैप्पी पीरियड था मेरे लिए. एंड इट्स वेरी वियर्ड के अरे इन चीजों को हिंदी फिल्मों में अलग तरीके से दिखाया गया ना, चौल सिस्टम और ये, जबकि दुख है वो. हाँ, वो दुख की तरह दिखाया गया यार. मतलब जैसे ही ना, मतलब मैं बता रहा हूँ तुम्हें, मतलब बिकॉज आई कम फ्रॉम आउटसाइड. करेक्ट. और जब मैं हमेशा ना हिंदी फिल्में, हम हिंदी फिल्मों को देख के बड़े हुए जो मुंबई में सेट थी, और चौल के बारे में बात की, चौल को बड़ा क्राउडेड जगह, वो जगह सैड जगह, उस तरीके से उसको पोर्ट्रे किया गया. मैं रिसेंटली मैं चरनी रोड में घर हम लोग खोज रहे थे और वहाँ पे देख रहा था, तो मैं बहुत सारे इन तरह के घरों को एक्सप्लोर किया जो पुराने स्ट्रक्चर्स हैं. फैमिलीज रहती हैं, मिडिल क्लास फैमिली रहती हैं, अच्छे से रहते हैं लोग, खुश हैं. बिल्कुल. मतलब शहर में ही भीड़ है यार, वो तो है, लेकिन इसको मतलब कैसा, मतलब तुम लोगों का चौल का एक्सपीरियंस कैसा था, दोस्ती कैसी थी वहाँ पे और वो सब चीज़ें, डज एक्सप्लेन चौल टू मी. मतलब हमारे लिए बिल्कुल दुख दर्द पीड़ा था नहीं वो, है ना. मुझे ऐसा लगता है फिल्में जिस तरीके से बनाते हैं ना, फिल्मों का वो पर्सपेक्टिव है, बिकॉज फिल्में देखने जाएंगे मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, अपर क्लास, है ना. तो वो बहुत जरूरी दिखाना कि ये देखो कितने दुख में, कितने दुख में जी रहे. बट हम तो हमारी रियलिटी में जी रहे ना, और जो इंसान इसे मान लेता है अपनी रियलिटी, वो उसमें खुश रहता है. सडनली जब आप इस घर से एक 3 BHK घर में जाते हो, तब आपको रियलाइज होता है कि अरे हम वैसे जी रहे थे. अच्छा, लोग ऐसे जी रहे, वो वाला अचानक से स्पेस मिल जाता है आपको कि मैं और मेरे माँ बाप अलग अलग कमरे में हैं. वो वाला हिसाब. तो आई थिंक व्हेन यू आर लिविंग इन योर रियलिटी, यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम विद इट. ऑल दैट यू हैव एट दैट पॉइंट इज एन एस्पिरेशन कि मुझे बड़ा घर होगा तो अच्छा लगेगा, मुझे बनाना है वैसा. अच्छा. पर वो टाइम पर ऐसा लग नहीं हो रहा था मैं यहाँ से छूट कर कब भागू, वैसा नहीं. क्योंकि दोस्त अब यहीं पर है ना. स्कूल से रोज ऐसे चलकर आ रहे हैं हम लोग, और स्कूल खत्म होती है सपोज 2 बजे के आसपास, घर 3 बजे तक पहुँच रहे क्योंकि आधा घंटा हम साइबर कैफे में बैठ गए, है ना. वो लाइफ का रूटीन एक तरीके से बन गया. अच्छा. के सब एक दूसरे को जानते हैं. कितने दिनों बाद साइबर कैफे वर्ड सुना है. ये हम सबके ग्रोइंग अप का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट था. बिल्कुल. और अचानक से ये वर्ड ही गायब हो चुका है यार, साइबर कैफे. यार तो मेरी मॉम का क्लोथिंग बिजनेस है जी, है ना. तो उनका एक बुटीक हुआ करता था जो उन्होंने ऐसे दुकान ना 50-50 रखी थी. ओके. तो अंदर की तरफ बुटीक था और बाहर ना दूसरे जो उनके पार्टनर थे उन्होंने ऐसा साइबर कैफे बना के रखा था. अच्छा. उनके पार्टनर. ओके ओके. तो वहां पर अब ज्यादा जा नहीं सकते क्योंकि माँ को पता चलेगा कि ये साइबर कैफे में टाइम पूरा टाइम बैठा रहता है ना. बट वहां पर रोड रैश रहती थी. इस साइबर कैफे में रोड रैश रहती है और जहाँ हम सब दोस्त खेलने जाते थे वहां पर वो PS वाला हिसाब था. ओ. के तो वहां पर गेम्स होती थी WWE. हाँ. ये वो. तो हम रोड रैश सिर्फ और सिर्फ वीकेंड पे खेलेंगे. सिर्फ वीकेंड को जाएंगे ताकि माँ को लगे कि हाँ खाली छुट्टी पर आके खेलता है. बट एवरी ऑल्टरनेट डे हम स्कूल से आके जा रहे हैं, WWE खेल रहे हैं, अपने कैरेक्टर्स. वो टाइम पर कैरेक्टर्स क्रिएट किए जाते थे गेम के अंदर. हमने ऐसे 4-5 अजीब बनाए थे. वुल्फ, ये वो, स्मैकडाउन खेल रहे, ड्रैगन बॉल जी खेल रहे. तो बहुत सुकून था बचपन में. एंड आई फील लाइक वेन यू ग्रो अप ना, आपके ऊपर वो जो प्रेशर आता है वो बाद में आता है कि यार पैसे कमाने हैं, है ना. अगर आप कभी भी अपना पास जाकर देखोगे ना तो यू लिव्ड
आई वुडंट से इन अ मच मोर वर्स कंडीशन, बट यू लिव्ड इन अ कंडीशन वेयर जब पैसे नहीं भी थे ना तो आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था, आप छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढ लेते थे, आप गन्ने के जूस वड़ा पाव को खाना मानकर खुश हो जाते थे. इट्स जस्ट व्हेन यू ग्रो अप एंड यू आर अराउंड पीपल एंड यू रियलाइज के नहीं यार पैसा होना बहुत जरूरी है. आप लोगों के साथ बैठोगे बातचीत करोगे है ना, तो उसके लिए पैसा होना बहुत जरूरी है. तो ये सारा प्रेशर बड़े होने के बाद ही आप एक्सपीरियंस करते हो, बट वो बचपन बहुत इनोसेंटली निकल जाता है. बट इन सभी के बीच में मतलब आई नो यू आर ऑल्सो डूइंग थिएटर. यस हाँ. थिएटर का क्या सीन था तुम, क्योंकि अब थिएटर की बात है ना कि मैं थिएटर करता हूँ हाँ. लेकिन मैं मुंबई के थिएटर को बहुत आउटसाइड से देखता हूँ हाँ, है ना. करेक्ट. मुंबई का थिएटर तुम लोगों ने कैसे देखा और हमने कैसे देखा वो बहुत डिफरेंट है. तो तुम्हारा थिएटर को यहाँ पे तुम्हारा इंट्रोडक्शन कैसे हुआ मुंबई के थिएटर से या फिर जो भी आसपास थिएटर था? तो जब तक स्कूल में थे तब तो स्कूल भिंडी बाजार के आसपास मझगांव एरिया में रहती थी हाँ. तो दुनिया इतनी ही थी, इसके बाहर हमें पता नहीं था दुनिया क्या है ज़्यादा. तो स्कूल तक हमने स्कूल प्लेस किए, फिर है ना हम बैंड्रा गए. तो जब वो आप ट्रेन पकड़ के सबब जाते हो ना तो आप देखते हो कि दुनिया बदल रही है यहाँ पर आपके लिए ना, क्योंकि ये आपका सिक्योर्ड चाइल्डहुड रहा है ना, पैम्पर्ड बच्चा, व्हिच इज भिंडी बाजार एरिया. ठीक है, यहाँ के इलाके में मुझे सब पता है. ठीक है, एकदम ऐसे बॉस की तरह घूम रहे कि वो हाँ तेरा क्या काम है, हाँ करवा दूंगा. वो वाला हिसाब है. अचानक अननोन टेरिटरी में पैर रख दिया सबब. हाँ बैंड्रा. तो कॉलेज थी नेशनल कॉलेज. तो अच्छा तुम नेशनल कॉलेज? नेशनल कॉलेज में था मैं. अच्छा तो अच्छा कॉलेज है ना, ऐसा पॉपुलर कॉलेज. ठीक है. अंडरप्ले. हाँ मतलब मैं जो कोर्स कर रहा था और मुझे जो सारे लोग मिले अपने लाइक इन दोस 3 इयर्स ऑफ माय कॉलेज, आई थिंक आई वाज वेरी लकी विद इट. लवली लवली. तो दैट सो नेशनल कॉलेज. यस वहां पे है. तो नेशनल कॉलेज में गए और अचानक है ना ये ज्यादातर लोग दूसरे शहरों से है. ठीक है, और ये लोग ना ऐसे मतलब दे ब्रिंग टू द टेबल कि पता है मैं अपने स्कूल के टाइम पर है ना तो हम बाइक चला चला के असेंबलीज में जाते थे और मतलब ये लोग का मार्च पास नहीं होता था, इनके मार्च पास में ये लोग बाइक के ऊपर खड़े होकर ऐसे घूम रहे. भोपाल का एक बंदा है वो, उसने ऐसा फोटो दिखाया कि अजय देवगन का वो एक सीन पता है, दो लोग बाइक चला रहे हैं उसके बीच में अजय देवगन खड़ा है. सेम डूइंग दैट सेम फूल और कांटे का है शायद. हाँ तो ये ऐसा कुछ दिखा रहा है, कोई कह रहा है हमने ये देखो भोपाल का है ना. भोपाल का है तो फिर मैं थोड़ा इस पे ना डाउट करता हूँ. भोपाल के मेरे बहुत सारे दोस्त हैं और खूबसूरती है कि वो फेंकते बहुत हैं. ओल्ड भोपाल तो बहुत चांस है कि वो भोपाली तो मजेदार लोग होते हैं, बहुत ही ज्यादा फन पीपल. मैं मानता हूँ इस बंदे ना मेरे लिए ओल्ड भोपाल को इतना खराब टेंट करके रखा ना, क्योंकि इतना अंदर से कमीना आदमी है ना ये, पर अरे ऐसे दिल दे देता है दोस्तों को. तो वो कहते हैं ना सिनेमा में फ्लॉड कैरेक्टर, वो है वो मेरे लिए. अरे लवली. वैसा शानदार. बट हाँ थिएटर ऐसा हुआ कि तो कॉलेज प्लेज में हमने पार्टिसिपेट करना शुरू किया अपने डिग्री के. तो सबसे पहले सीनियर्स ने बोला कि आप अलाउड नहीं हो. तो हमने पूछा क्यों, जूनियर हो ना, जूनियर कॉलेज. जब तुम सीनियर बनोगे ठीक है तब तुम्हें मौका मिलेगा, मतलब तुम्हारे थर्ड ईयर में. ओके. मैं अपने फर्स्ट ईयर में आई वाज ट्राइंग, इट वाज नॉट जूनियर कॉलेज, सीनियर कॉलेज. सीनियर कॉलेज ओनली बट फर्स्ट ईयर में. तो उन्होंने कहा कि अपने थर्ड ईयर तक इंतजार करो. मैं कहा पागल है क्या, इतना नहीं है टाइम अपने पास. तो मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है. तो ये एक सर्कल है कि हमारे सीनियर ने हमारे साथ ऐसा किया, हमें मौका अब मिल रहा है तुम्हें भी मौका तब मिलेगा. मैंने कहा ये मुझे नहीं जमेगा. तो हमने हमारा एक प्ले बनाया. ठीक है, वहाँ पर ऐसा लिखना शुरू किया, प्ले बनाया 15 मिनट का. एंड हम भी उतर गए कंपटीशन में, इंट्रा कॉलेज कंपटीशन था और जीत गए. यार मुझे ना तुम्हारे वो थर्ड ईयर वालों के लिए बहुत खराब लग रहा है. मुझे बिल्कुल नहीं लगता. नहीं तुम ऐसा सोचो हाँ. उनके ना जो सीनियर थे हाँ. उन लोगों ने इनका काटा, फिर इनके जूनियर आए, इन्होंने इनको हरा दिया. ये वेट करते रह गए कि थर्ड ईयर में कुछ होगा. वहां पे वो हार गए यार इंतजार करने के बाद. इनके साथ बहुत बुरा हुआ क्योंकि देखो जूनियर में स्टार्ट नहीं किया ना, फर्स्ट ईयर में स्टार्ट करते तो हरा देते. हाँ, वही है, उनको खुद स्टार्ट करना था. इट्स अ लाइफ लेसन. बट या यू वन दैट. सो वी वन दैट. और ऐसा बोलबाला टाइप हो गया कि अरे ये आया और पृथ्वी हाउस था हमारा. ठीक है, पृथ्वी हाउस के लड़के ने किया है, जीता ही है. ठीक है, तो ऐसा थोड़ा थोड़ा नाम हुआ.
तो थोड़ा थोड़ा नाम हुआ तो हमें भी अच्छा लगा, और मेरा स्टार्टिंग से ही आई वांटेड टू बी एन एक्टर, तो रुचि तो थी है ना, और अब लोग भी कह रहे कि अरे बढ़िया कर रहा है, बढ़िया कर रहा है, तो हमने कहा और बढ़िया करेंगे अब। तो उसके बाद थेस्पो एक फेस्टिवल है पृथ्वी का, तो उसके बारे में हमें पता चला। इतने सारे अच्छे लोग निकले हैं, दिग्गज निकले, सो द कंट्रीब्यूशन ऑफ थेस्पो इज इमेंस, नो डाउट अबाउट इट। यस, थेस्पो में पार्टिसिपेट किया। हाँ, तो हम मैं ना पहली बार थिएटर में गया हूँ ऐसे, पृथ्वी थिएटर में पैर रखा और मैंने कहा अरे जन्नत, हम बैठे और मुझे याद है उस वो साल है ना, मिथिला पालकर वॉज वन ऑफ द पीपल हु केम एंड इंट्रोड्यूस द फेस्टिवल। ओके, इंस्टेंट क्रश था, इंस्टेंट क्रश। तो मैं कहा हाँ ठीक है, करेंगे हम करेंगे ये। तो वहाँ पर चार पांच लोगों से बातचीत हुई, कॉन्टैक्ट्स बढ़े, तो हमने कहा कि अब ये करेंगे। अभी तक 15 मिनट का फेस्टिवल, मतलब 15 मिनट का प्ले बना रहे थे, अब हमने बोला 1 घंटे का बनाएंगे। तो अब 4 गुना मेहनत करनी है हर चीज़ पर, है ना, कि कास्ट उतनी जमा करेंगे, स्क्रिप्ट उतनी बेहतर लिखनी पड़ेगी, लंबी लिखनी पड़ेगी, एंगेजिंग करनी पड़ेगी। और इसके लिए ऐसे 2 महीने निकाल दिए मैंने, तो उसके लिए अलग लेवल जुगाड़ कर रहे हैं कि कहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। कॉलेज में इतना नहीं कर सकते, नहीं कर क्योंकि हमारे पास कैंपस ही नहीं है इतना तो कैंपस ही नहीं है। तो एक कास्ट मेंबर को हमने जो लिया था कि उनके घर में एक पूरा फ्लोर खाली पड़ा है। ओके, हाँ, तो वो थे थोड़े ऐसे एकदम रिच टाइप के, उनके पास एक माला पड़ा है खाली, ठीक है। तो हमने कहा यस दिस इज इट, और वो बोरिवली में था, तो हम बहुत दूर है, डिस्टेंस इज ह्यूज ऑफ कोर्स, बट ट्रेन में नहीं मालूम पड़ता, ट्रेन में और ट्रेन और पैशनेट लोगों को कभी नहीं मालूम पड़ता डिस्टेंस क्या है कि बोरीवली से भिंडी बाजार कितना दूर है। बिल्कुल, मेरा ख्वाब मिल रहा है ना, मुझे चलेगा मुझे ये सब। अरे, तो हम रोज ऐसे 3-4 घंटे प्रैक्टिस करते थे, और फिर है ना फाइनली जब थेस्पो में गए परफॉर्म किया, हम बहुत गंदा हारे। अच्छा, हाँ, अरे कस के, मतलब हम जब बाहर निकल रहे थे ना, सब खुश थे कि ओ वी परफॉर्म्ड दिस वन आवर थिंग एंड वी आर हैप्पी अबाउट इट, और मैं भी खुश था कि हमने परफॉर्म किया, बट इंटरनली आई न्यू हाँ हम हार गए, वी आर डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम दिस, बट आई वाज स्टिल हैप्पी दैट ओ आई पुल्ड इट ऑफ। के मेरे कॉलेज में जहां पर एक थिएटर ग्रुप तक नहीं है अभी तक, वहां से आपने ये किया। हाँ, तो मैं खुश था यार कि मुझे पता है कि मैंने अचीव क्या किया। लाइक इफ आई सिट एंड क्राई अबाउट द फेलियर दैट इज गोइंग टू हैपन, देन आई एम नॉट गोइंग टू मूव इन लाइफ, बट आई एम हैप्पी दैट अरे यार मैंने 1 घंटे का स्क्रिप्ट पुल ऑफ कर लिया यार, कर तो दिया है ना, लोग कन्विंस कर लिया, मतलब लोगों के माँ बाप से जा जाके बातचीत करके उनको मना कर ये किया है मैंने, तो आई वॉज मोर देन हैप्पी। अरे, तो ये बहुत बढ़िया मुझे ऐसा एक इक्वेशन लगा था, एंड सिंस देन फिर कोशिश करते रहे, जितना थिएटर करते कर सकते थे उतना किया है, बट हाँ यार मतलब वो टाइम पर एक्टिंग का भी ऐसा चल रहा था, तब मेट्रो नहीं बनी थी। हाँ, आई थिंक मेट्रो नहीं बनी थी। okay. तो अगेन कॉलेज तक ना पैसे थोड़े से लिमिटेड ही रहते थे मेरे पास, टच वुड पेरेंट्स वर डूइंग गुड, बट लाइक आई हैव सीन देम इन डेप्थ एंड स्पेशली फॉर अस, मतलब हम भिंडी बाजार से शिफ्ट हुए एक दूसरे घर में, क्योंकि मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि दे वॉन्टेड टू गिव अस अ बेटर लाइफस्टाइल। ओके, तो है ना, ये किस एरिया में शिफ्ट हुए? ये हम दिस इज नागपाड़ा साइड। ओके, हाँ, मतलब मुंबई सेंट्रल साइड, मुंबई सेंट्रल, हाँ, मुंबई सेंट्रल साइड में थे। तो वहाँ पर जब शिफ्ट हुए ना, तो बड़ा घर है ना ऐसे, मतलब आपका एक कमरा है, पेरेंट्स का कमरा है, वैसा वाला लवली। तो वो सब देने, मतलब बच्चों को प्रोवाइड करने के चक्कर में ना मैंने देखा है उनको कि चुपचाप दे वर फाइटिंग दैट फाइट आल्सो, कि हाँ है ना कर्जा चुकाना है ये, मतलब जो लिया है सब कुछ। तो आप कहीं ना कहीं वो बेटे वाला इफेक्ट भी है कि मतलब बर्डन नहीं बनना है, मैं मदद करना चाहता हूँ अपने पेरेंट्स की, तो पेरेंट्स की मदद करने के लिए हम जितना ऐसा पैसा मिलता था उसके साथ पूरा हफ्ता निकाल लेते थे। अच्छा, पर अब ऑडिशंस के लिए जाना होता था आराम नगर अंधेरी। अच्छा, ये सब भी पूरा प्रोसेस? हाँ, ये प्रोसेस, यस यस यस, सब किया है। हाँ हाँ हाँ, आराम नगर हुआ है तुम्हारा भी? जी जी, अरे बहुत बहुत लंबा आराम नगर हुआ है मेरा। तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ, पता है कि मैं क्यों आराम नगर और ये सब चीज़ें मैं क्यों बोला, सी पीपल
मोस्टली मतलब लॉट ऑफ पीपल जो देख भी रहे होंगे शायद तुम्हें शायद इंटरनेट के थ्रू जानते होंगे. करेक्ट. उनको लगता होगा पोइट्री करता है और इसके कारण से ये अचानक से फेमस हो गया. बट लॉट ऑफ पीपल डोंट नो कि वो एक चीज़ जिसके कारण आप उसको जानते हो उसके अलावा कितना कुछ है ना. हाँ. उसने कितना जीवन जिया हुआ है, कितनी सारी चीज़ें की हुई हैं और वो कोई एक चीज़ अचानक से नहीं आता है. I'm sure about you also, कि it didn't came just like this, क्योंकि हमारी इस बारे में बातचीत हुई है and I know that how much you've done other things also, ना? हाँ, I think poetry is just one thing that has clicked and that is one thing that you really enjoy, but there are other things about you, जो कि बहुत interesting है. जैसे मुझे आरामनगर का नहीं पता था कि आरामनगर में तुमने खूब सारे audition दिए हुए हैं, वो face जीता है, जिया है, so it's beautiful, yeah. बहुत बढ़िया. मुझे तो वो टाइम पीरियड भी ऐसा लग रहा था कि क्योंकि अगेन आरामनगर का जैसे मैंने कहा मेट्रो नहीं बनी थी. हाँ. पर आप जब ऑडिशन देने जा रहे हो ना तो आपको ऐसा अच्छा दिखना पड़ता है ना, है ना? कि शर्ट पर पसीना नहीं हो सकता और मुंबई में पसीना तुरंत निकलता है तो जैसा कि अभी कुछ देर पहले कुछ देखा तो हम कॉलेज से हम पहुंचे थे स्टेशन, स्टेशन से अंधेरी स्टेशन गए एंड देन वी टुक अ रिक्शा. रिक्शा वो टाइम पर ऐसा था कि ऐसा सोच समझ कर प्रिविलेज की तरह यूज करना है, अपना प्रिविलेज कार्ड है वो रिक्शा. हाँ हाँ. जब तक आप शेयरिंग रिक्शा में तब तक सब सही है, 10-10 रुपए में निकल जाती है बात. पर स्टेशन रिक्शा. हाँ. पर स्टेशन से आरामनगर कुछ ऐसा 50-60 जितना हिसाब बनता है उसका. अब ज्यादा बनता है, अब तो ज्यादा ही है. तो वो ऐसा हवा लगनी चाहिए, पसीना सूखना चाहिए, तो इसलिए वो लेते थे. अच्छा. और फिर ऑडिशन के लिए जाते थे, ऑडिशन दिया और कई बार है ना मतलब मेरे ऑडिशन में मैसअप ये होते थे कि मैं स्टबल बियर्ड के साथ जाता था. ओके. और फिर वो कहते थे कि आप क्लीन शेव हो कराओ. तो मैं कहा कि देखो अगर मैंने क्लीन शेव कर दिया ना. हाँ. तो मैं बहुत छोटा हो जाऊँगा क्योंकि आपने ब्रीफ दिया 18 साल का लड़का, ये मैं 18 साल का बनकर आया हूँ. और वो गुमराह और ये सब सीरीज वो टाइम पे चल रहे थे. अच्छा. तो मैं गुमराह के ऑडिशन दे रहा था वो टाइम पर. तो जैसे ऐसे क्लीन शेव एक आध दो बार कराया भी है. जैसे जोधा अकबर के अंदर ना मुझे अकबर का बेटा बनने का रोल मिला था. दिस इज 2015-2016. तो ऐसे बेटा बनने का रोल था और स्टबल बियर्ड के साथ गए थे ऑडिशन. ऑडिशन. अच्छा. तो दिया ऑडिशन हमने पूरे ऐसे बराबर से. नहीं नहीं पहले दाढ़ी के साथ. दाढ़ी के साथ दिया के अब्बा हुजूर कब समझना होगा. वो वाला हिसाब था कि चिल्ला कर बोलो. तो एकदम ऐसे मोमेंट लिया और मैंने कहा कि अब्बा हुजूर कब समझना होगा कि वो हम पर तानाशाही नहीं कर सकते. तो ये पूरा ऐसे डायलॉग हो रहा है. ठीक है. 3-4 लोग ऐसे खड़े थे वैसे देखने लगे. मुझे लगा अरे जो ऑडिशन देना है वो भी देख रहा है, उसको भी अच्छा लग रहा है. ठीक है. कास्टिंग वाला भी देखता है. वो कहता है अरे ये बढ़िया बढ़िया, पर दिक्कत आ रही है दाढ़ी. तो मैं कहा सर देखो दाढ़ी हटा देना तो दिक्कत हो जाएगी कि उम्र घट जाएगी बहुत ज़्यादा, ऐसा 15 साल का हो जाऊँगा आराम से. तो कहता है दाढ़ी वाला तो नहीं लगेगा सर, आप करके आओ ना. मैं गया तुरंत क्लीन शेव करके आया. अरे आप तो बहुत छोटे हो गए. मैं कहा तो मैं तो स्टार्टिंग से कह रहा हूँ यार. तो वो हुआ था. और हम जब भी ऑडिशन से निकलते थे ना तो खाना तो अब वही है, 10 रुपए का वड़ा पाव. और आरामनगर से बाहर निकले हमेशा वड़ा पाव वाला स्टॉल उधर ही रहता था. तो एक अपना सेट हो गया था कि वो बंदा देता था मुझे 8 रुपए में. अच्छा. एक दोस्ती थी ऐसी. हाँ दोस्ती हो गई थी, 8 रुपए में दे रहा है मुझे. तो ऐसा बातचीत बातचीत में एक दिन है ना, और बच्चा है ना, बच्चा हो ना मैं, तो उसको वो वाला है बच्चे वाला डिस्काउंट दे रहा हूँ मैं इसको. तो इतना बातचीत बातचीत में मैंने उनको पूछा कि भैया कहाँ से आते हो आप. तो क्या ना यूपी से आए. मैं कहा अच्छा तो क्या करने आए थे. मैं था वही जो आप कर रहे हो. मैं दो मिनट में ना मैं कहा अच्छा भविष्य. ये वो कहते हम बाहर निकलते थे तो हम खाना ही ढूंढ रहे होते थे. तो एक आध दो दिन बाद जब हम समझ गए कि हम नहीं हो रहे तो हमने कहा कि हमें पता है कि हमें नीड क्या है सॉल्व करनी है. यहाँ पर ही ठेला लगा दिया. तो ये भी एक ऐसे स्टोरीज आपको मिल जाती है आरामनगर में, है ना, कि वही है कि दिस सिटी ऑलवेज हैज समथिंग टू ऑफर. ऑफकोर्स ये शहर है ना नए लोगों को अपने आप में मतलब संभाल लेता अपने में. ऐसे जो गलियों में आप चल रहे थे एक दिन अचानक वो गली छोटी हो जाती है क्योंकि वहां पर और घर बन गए. तो देर इज ऑलवेज स्पेस फॉर मोर पीपल इन दिस सिटी. एंड
दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन वाई पीपल लिविंग इन मुंबई डोंट लाइक मुंबई. हाँ के बढ़ते जा रहा है यार, बढ़ते जा रहा है. पर हम नहीं समझ रहे कि इट्स नॉट अबाउट पीपल वॉन्टिंग टू कम एंड लिव हियर, इट्स अबाउट पीपल वॉन्टिंग टू लिव देयर ड्रीम्स हियर. दैट इज देयर ओनली एक्सपेक्टेशन इन लाइफ. तो वही हिसाब है. तो ये तो हो गया आराम नगर बम्बई लाइफ ये वो दिस दैट. अब क्या चल रहा है, किन चीज़ों के बारे में मज़े से बातचीत हो रही है, मज़े से काम हो रहा है? बिकॉज आई बीन सीइंग यार तुम यू आर क्रिएटिंग फिल्म्स, शॉर्ट फिल्म्स लगातार ऑन योर इंस्टाग्राम. हाँ और बहुत ज़्यादा सुंदर. मतलब मैंने तुम्हें बोला भी था कि आई मैसेज यू, मैंने कुछ एक देखा था कि इट्स रियली बहुत प्यारी स्क्रिप्ट हैं, छोटी हैं, बहुत सुंदर है. एंड यू आर राइटिंग दैम, यू आर क्रिएटिंग दैम. तो मैं अपने कॉलेज वाले दोस्तों के साथ बना रहा हूँ ये. हाँ क्या? हाँ क्योंकि अच्छा. हम सब वापस अभी मिले और सब तरीके से इसी फील्ड में थे. एक असिस्टेंट डायरेक्टर था वो भोपाली. ओके ठीक है. वो जो बहुत ही बहुत ही शानदार कैरेक्टर है वो. मतलब अगर सिनेमा के तरीके से मैं देखूँ ना, उसे डाइसेक्ट करूँ ना, मैं कहता हूँ बहुत ही शानदार प्रोटैगनिस्ट है ये. ओके ठीक है. क्योंकि ही डज इक्वल अमाउंट्स ऑफ ग्रेट थिंग्स एंड स्टूपिड थिंग्स. सो एट नो पॉइंट डू आई फील के मुझे नहीं पता कि मुझे इसके लिए क्या फील करना है. एम आई सिंपथाइजिंग विद हिम, एम्पथाइजिंग, और जस्ट फीलिंग एंग्री. इट इज ब्यूटिफुल एज अ कैरेक्टर. तो वो है. फिर दो तीन और लोग हैं हम लोग. तो राइटर्स है, एक्टर्स है, डायरेक्टर्स है, सब ऐसे मिलकर हम बस कहानियाँ बना रहे हैं. और हम कहानियाँ कहना चाहते हैं एट दिस पॉइंट, बिकॉज वी वर्कड एंड वी हैड इनफ एक्सपीरियंस एंड वी रियलाइज कि नाउ वी कैन ऑल्सो क्रिएट थिंग्स. ऑफकोर्स. And you're creating wonderful things. वही चल रहा है. तुम कहते हो कहानियाँ कहना चाहते हैं. हाँ. कौन सी कहानियाँ हैं जो कहनी है? किस तरह की कहानी, किस वर्ल्ड को तुम दिखलाना चाहते हो? यार बिकॉज अब मुझे नहीं पता ये प्रिविलेज की बात है, इज इट अ प्रो और अ कॉन, बट क्योंकि मैं मुंबई में ज़्यादातर रहा हूँ तो वॉट कम्स नेचुरली टू मी इज स्लाइस ऑफ लाइफ. के मैं गैंगस्टर ड्रामा नहीं लिखता. मैं इंसानों को लिखने की ज्यादा कोशिश करता हूँ क्योंकि सिंस द बिगनिंग मैं सिर्फ इन्हीं तो देख रहा हूँ. एंड आई वॉन्ट टू राइट स्टोरीज दैट आर सिंपल, जिसके अंदर है ना हर आदमी अपने आप को कहीं ना कहीं ऐसे देख सकता है ना, समथिंग अबाउट देमसेल्व्स. एंड इट नेसेसरली डजंट हैव टू बी लाइक अ स्टोरी अबाउट देम विनिंग अ बिग थिंग. रोजमर्रा की ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर बात करनी है, जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस वन पर्सन. जैसे अभी मेरी एक कहानी जो चल रही है जो अभी इन प्रोसेस है. और एक और चीज़ इसके बारे में मतलब मैं तुमसे बात करना चाहता था क्योंकि हमने ऑब्वियसली वो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर दिया है. योर लव फॉर सिनेमा. जी क्या है वो प्यार सिनेमा को? क्योंकि असल में देखो हमारी कॉन्वर्सेशन तो सिनेमा के अराउंड होनी थी. हाँ हाँ. लाइफ के अराउंड हो गई अलग बात है. लेकिन हमारी बातचीत का जो मेन मकसद था वो तो था कि हम सिनेमा पे बात करेंगे, सिनेमा को समझेंगे कि तुम्हारा एंड सिनेमा भी जो हम कहते हैं तो हम असल में मुंबई के बारे में जब बात कर रहे हैं लार्जर कॉन्वर्सेशन. सो हिंदी सिनेमा फॉर अस इट्स मुंबई. हमारे लिए हम बाहर से ना बॉम्बे को हमने मतलब सी आई एम सीइंग मुंबई इन अ डिफरेंट लाइट व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू. करेक्ट. तो मुझे ना मुंबई अलग तरीके से दिखता है. लेकिन जब मैं मुंबई को याद करता हूँ ना हम लोगों ने कैसे कैसे देखा है, तो हमारे लिए सिनेमा बहुत इंपॉर्टेंट है. शाहरुख खान बहुत इंपॉर्टेंट है. जी बेशक बेशक. मैं एक्चुअली द रीज़न वाई आई लव फिल्म्स और द रीज़न वाई आई ऑल्सो वॉन्टेड टू बी एन एक्टर, वॉन्ट टू बी एन एक्टर, इज क्योंकि मैंने शाहरुख साहब की एक फिल्म देखी है बादशाह बचपन में. ठीक है. और मैंने मतलब डीवीडी के टेप पर ऐसे रेंट पर ले लेकर वो उसकी टेप को घिसा है. इतनी बार देखा मैंने उस फिल्म को जस्ट फॉर हाउ अब्रप्टली ब्यूटिफुल दैट फिल्म इज. बादशाह इज वो मतलब ठीक है. अब हम कहेंगे कि अरे नहीं नहीं अरे मुझे मुझे हाँ. शाहरुख खान हमेशा जमता है. नहीं मैं ऐसे क्रिटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि क्रिटिकली ना आप पिक्चर को कहीं पे भी डाइसेक्ट कर सकते हो, पर एज एन ऑडियंस जो एक छोटा बच्चा उस फिल्म को देख रहा है ना उसको तो बहुत मनोरंजन लग रहा है उस फिल्म में. यार मतलब मुझे बहुत शानदार लगी थी वो पिक्चर. और फिर धीरे धीरे जैसे बड़े हो रहे थे ना तो मैं प्रॉपर बॉलीवुड फैन था, है ना, अभी भी हूँ उस तरीके से, पर मैं सिर्फ बॉलीवुड फिल्में देखता था और कभी कभार हॉलीवुड फिल्में. फिर कॉलेज में ना अगेन डिग्री कॉलेज मुझे एक लड़की पर ऐसा क्रश था. ठीक है. तो आप कई बार है ना मतलब वो कहीं पे जा रही होती हो तो यू जस्ट ट्राई टू बी पार्ट ऑफ दैट प्लान. तो मामी करके एक फेस्टिवल होता है. ऑफ कोर्स. है ना. मैंने कभी सुना नहीं था उसके बारे में. अच्छा. स्टेइंग इन मुंबई आई हैव नेवर हर्ड ऑफ मामी टिल देन.
क्या बात कर रहे हाँ। तो उसने कहा कि अरे ये फिल्म फेस्टिवल है, यहाँ पर इंटरनेशनल सिनेमा भी देखने मिलेगा। मैंने कहा मुझे पता ही नहीं इंटरनेशनल सिनेमा, पर तुम जा रही हो ना, हम चलेंगे तुम्हारे साथ। तो हम गए और सबसे पहले तो उसके लिए गए थे, पर धीरे धीरे फिल्मों का लगाव वो किक इन होने लगा कि एक दिन में 3 फिल्में देख रहे, एक दिन में 4 फिल्में देख रहे वो, क्योंकि एक हफ्ते का होता है शेड्यूल होता है पूरा। तो हम पिक्चरें मार्क कर करके लाइन में लग के पीवीआर में हम देख रहे ये फिल्म वो फिल्म, और इतनी शानदार फिल्म आई थी। मुझे याद है जेवियर नोलन, क्या नाम है, जेवियर करके एक बंदा है, उनकी एक फिल्म थी मॉमी। ओके, वो पूरी फिल्म है ना ऐसे ऐसे बनाई है, इतना मतलब अगर आपका थिएटर स्क्रीन इतना बड़ा है तो बस इतनी इतनी फिल्म चल रही है। ओके, थ्रू आउट। और मैं कंफ्यूज चल रहा हूँ कि बंदे ने क्या किया है ये, मतलब ऐसे क्यों शूट करके लाया ये। ठीक है, और ब्यूटीफुल स्टोरी, द स्टोरी इज वेरी कैब, लाइक इट्स गॉट यू देयर। ओके, तो देख रहे देख रहे देख रहे एंड सडनली यू रियलाइज एट सम पॉइंट ना, जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो स्क्रीन को धक्का मारता है। ठीक है, वो प्रॉपर दोनों पार्ट्स को से धक्का मारता है और स्क्रीन खुलती है। और मैं मतलब मैंने कहा शिट, ये जादू है ये फिल्म, क्योंकि दैट इज द फर्स्ट टाइम ही इज हैप्पी इन द फिल्म, जेन्युइनली कंप्लीटली हैप्पी। तो दिस द होल फ्रेम वाज हिज माइंड, कि जब वो फ्रेम को खोलता है उसका माइंड खुला है, वो दुनिया देख रहा है। मैं पागल हो गया, मैं सो नहीं पाया उस फिल्म के बाद। और मैंने बहुत ऐसी फिल्म्स उस साल देखी थी, आई थिंक एक कोल्ड वॉर करके एक फिल्म थी, तो ऐसे 4-5 फिल्में देखी और बहुत अच्छी लगी। और हमें ऐसा लगा कि यार हम अभी तक महरूम कैसे थे इन सब चीज़ों से यार, मतलब बिकॉज वी नेवर बीन टॉट दिस राइट, हमें ये सारी सिनेमा दिखाई नहीं गई, डिस्कवर सिनेमा। हाँ, मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा, 2014 के आसपास आई थिंक लुटेरा रिलीज हुई थी, 2014 के आसपास लुटेरा रिलीज हुई थी। मैं इंटरवल में उड़ गया था लुटेरा से। हाँ, मुझे लगा क्या स्लो फिल्म बनाई है, समझ नहीं आ रही है क्या कर रहे हैं। फिर तमाशा ही, तमाशा तो बहुत बाद में देखी थी मैंने, पर लुटेरा से निकल गए थे हम। फिर मामी में फिल्म समझ में आए, लोगों के साथ बैठे, फिल्म्स डिस्कस की, जीवन में पहली बार फिल्में डिस्कस हो रही है, ऑफकोर्स है ना, तो वो दिखा रहे तुम्हें देखने का तरीका, समझने का तरीका, क्यों ये फ्रेम, क्यों वो रंग, क्या कहना चाह रहा है, मेटाफर क्या है फ्रेम के अंदर, वो सब चीज़ें एक्सप्लेन हो रही है, तो पिक्चर खूबसूरत बनते जा रही है आपके लिए। फिर कट टू में वापस लुटेरा देखा और मैं कह रहा कितनी खूबसूरत फिल्म है, बहुत सुंदर, कितनी खूबसूरत फिल्म है, यही शहर है जहाँ पे दुनिया भर का सिनेमा भी देखा, दुनिया भर का फेस्टिवल भी यहीं पे अटेंड किए। करेक्ट, ओए लकी लकी ओए, तो ऐसा लगता था कि हाँ ये पिक्चर तो मुझे पता है, ये तो मुझे पता है, डिस्पाइट द फैक्ट कि ओए लकी लकी ओए दिल्ली में सेट है। हाँ, अब बॉम्बे बॉय थिंकिंग कि ये तो मुझे पता है, ये कहानी तो पता है मुझे, मुझे ऐसा लगता था ये तो जी रहा है। हाँ, क्या? क्योंकि वो टाइम पर तो ऑडिशन और ये सब भी जैसे स्टार्ट किया था वापस, तो आई थिंक आई सॉ ओए लकी लकी ओए, आई थिंक आई वाज अ लिटिल लेट इन सीइंग इट, बिकॉज 2007 की फिल्म है वो शायद, 2007-2008 की। तो आई सॉ इट अगेन ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड व्हेन आई वाज ऑडिशनिंग, और मैं कहता यार अपना भी फरहान अख्तर हो सकता है, अपना भी चांस आ सकता है वैसा। And then I saw it recently again, and I realized the film is not about Farhan Akhtar, it's about Konkana Sen. तो वो एक बहुत सुंदर चीज है about a film that you can see it multiple times and you'll always learn something new. You'll always realize that there is so much hidden that the director wants to say but not say it out loud. वो चाहता है कि वो होता है ना कि it's a love language for the director. क्या ना, मैं बोल दूंगा तो कोई भी समझ सकता है, मैं छुपा कर रखना चाहता हूँ पर तुम्हें दिखेगा, और अगर तुमने देख लिया ना तो हम कह सकते कि हाँ हमें प्यार है, अरे वैसा। तो मुझे वो बहुत ऐसे अच्छी लगी। स्वदेश मैंने वापस ऐसे देखी, मुझे गाने मिस होते हैं जेन्यूनली। हाँ, क्या मतलब जिस तरीके से पहले गाने होते थे और अब ऐसे गाने ना, क्योंकि स्वदेश की बात करें, स्वदेश में ये तारा वो तारा, अरे बहुत सुंदर गाने हैं स्वदेश में, बहुत सुंदर गाने। वो गाने की ब्यूटी है कि पहले गाने देयर वाज अ रीजन
a lot of reason why this song exists in the film. जैसे ये तारा वो तारा का मेन पर्पस है कि इट इज टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस ऑफ कास्ट एंड एवरीथिंग दैट इज इन द विलेज, और कैसे उस गाने में ही वो तोड़ कर है ना दोनों साइड को जोड़ देता है, वो जैसे आंख में से आंसू आ जाता है यार खाली उतना पार्ट देखकर. फिर एक रिजर्वर डॉग्स का हिंदी कौन सा बना था यार मुझे नहीं पता, बना है क्या? हाँ हाँ हाँ, क्या बात कर रहे हो, बना है. अरे क्या बात कर रहे हो, रिजर्वर डॉग्स का एक हिंदी मतलब लेजिट हिंदी हमने ये बनाया था जिसमें अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, लकी अली ये सब है. हाँ कोई एक फिल्म तो थी. हाँ अच्छा, तो उस फिल्म में एक सॉन्ग है, बहुत ऐसे चिल सॉन्ग है जिसके अंदर है ना सब धीरे धीरे पार्टिसिपेट करते, तो इट रिवील्स कैरेक्टर इन दैट सॉन्ग. के सबसे पहले ना अमिताभ बच्चन गाते प्लान है ये, प्लान है वो, और वो प्लान एक्सप्लेन कर रहे हैं. ठीक है, तो ही इज द अल्फा ऑफ द ग्रुप, मतलब वो दिखा रहे हैं कि ही इज द माइंड ऑफ द ग्रुप. ओके, कि ये सब बता रहे हैं आपको. ठीक है, फिर इनको सिर्फ एक आदमी इंटरजेक्ट कर सकता है, वो है द सेकंड अल्फा ऑफ द ग्रुप विच इज संजू बाबा. ओके, तो गाने के बीच में फिर आता है, अरे थक गया हार गया तेरी बातें मैं समझ गया करके वो फिर आते गाने के अंदर. ठीक है, और फिर धीरे धीरे गाना आता है. ठीक है, और फिर सबके कैरेक्टर्स के हिसाब से उनको पार्ट्स दिए गए. ओके, के एक बंदा है जो बहुत ऐसे ही इज मतलब उसका मेन मोटिव टू बी पार्ट ऑफ द ग्रुप इज के वो पैसे कमाना चाहता है ताकि वो अपनी बीवी को और अपने बच्चे को वापस ऐसे देख सके और उनके साथ रह सके. तो उसका एक ऐसा पार्ट है ऐसे दीवार के पास बैठा है, छोड़ाया ऐसे पूरा आ रहा है. ओके, और फिर महेश मांजरेकर एंटर्स, कि महेश मांजरेकर कमीना है. ठीक है, तो वहाँ के साथ दुनिया कमीनी है, तो सब अपने कैरेक्टर्स रिवील करते हैं. ट्रू, पर अगर वो गाना सही से देखो ना तो आपको पता भी चल जाएगा कि इनमें से धोखेबाज कौन है. क्योंकि सब अपना अपना एक पार्ट गा रहे हैं एक्सेप्ट लकी अली, विच इज ऑल्सो आयरॉनिकल बट विच इज आयरॉनिकल कि बाकी सब गा रहे हैं लकी अली नहीं गा रहे. सिर्फ लकी अली है जिसका कोई पार्ट नहीं है गाने के अंदर. ही इज नॉट सिंगिंग, ही इज नॉट डूइंग एनी, मतलब ही इज डांसिंग अलोंग विद एवरीबॉडी बट इज नॉट सिंगिंग, बट हां ही इज रिवीलिंग नथिंग अबाउट हिमसेल्फ. ओह, तो मैं कह रहा हूं यार ये तो पिक्चर समझ आ जाती है इस एक गाने से. पिक्चर पता है कि कौन कब कैसे धोखा देने वाला है, सबके रीजनिंग सब कुछ इस बातचीत के बाद. यही तो गाना सुनना है. हां ये सर वीडियो के साथ देखिए ये वाला, ये देखते हैं, ये देखते हैं. बट लवली यार आई थिंक बैठे-बैठे काफ़ी कुछ हमने बात कर लिया. हाँ. मतलब भिंडी बाजार से मोहम्मद अली रोड से बैंड्रा आरामनगर, मतलब मुझे ना एक फ्लेवर ऑफ मुंबई आ गया. करेक्ट. हाँ. मतलब बातचीत करते करते ऐसा लगा कि हमने मुंबई को एक, मतलब मैंने, तुम तो कई सालों से समझ ही रहे. हाँ. मेरा वो प्रोसेस चल ही रहा है मुंबई को समझने का. मुंबई को घर कहता हूँ लेकिन इस घर में नया हूँ मैं. हाँ समझा. इट्स लाइक मीटिंग अ friend who's been in this house for a long time, for a longer time. तो ये बातचीत है और बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच यार. आई एम ग्लैड के मैं मुंबई को उस तरीके से पेंट कर पाया. क्योंकि मुंबई को ना हर कोई ने ऐसे बहुत ही रोमांटिक कर रखा है ना. हाँ. बहुत ही अलग तरीके से हम देखते हैं एंड मेरी जर्नी का वो पार्ट है वेर आई एम जस्ट लर्निंग अबाउट दिस सिटी एंड आई एम ग्लैड दैट वी कुड हैव दिस कॉन्वर्सेशन जहाँ पे इस तरीके से समझ पाए शहर को. थैंक यू सो मच यानियाल भाई. I'm glad के मैं आपका मेहमान बनकर यहाँ आया एंड आई एम जेन्यूनली हैप्पी अबाउट द कॉन्वर्जेशन. और जो सुन रहे आई होप आप सबको भी मजा आया हो, और अगर मजा आया हो तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर ही कर दीजिएगा चैनल पर. ये वो चीज है ना जो ये सिर्फ याया बोल सकता है. मतलब मैं भूल जाता हूँ कि यार ये बोलना होता है कि लाइक करो, इसको शेयर करो, इसको सब्सक्राइब करो. अरे मैं कभी नहीं बोल पाया हूँ, मतलब मुझे याद ही नहीं रहता कि ये बोलना है, और ये बोलना बहुत जरूरी है इंटरनेट पे. जी, दिस इज द इंटरनेट इकोनॉमी, याद दिलाना पड़ता है लोगों को. ग्लैड दैट मैं, मेरे याद दिलाने से कौन ही सुनेगा, याया के याद दिलाने से सुनो भाई. इसको करो. बट थैंक यू सो मच याया. थैंक यू सो मच, लवली टॉकिंग टू यू. सेम भाई. चलो.